हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरियाली कटहल की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को करें लाइक शेयर, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, 8 से 10 कलियाँ ली हैं लहसुन की, 4 मैंने लिए हैं हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा लिया है, और हरा प्याज और हरे लहसुन की यहाँ पर मैंने कुछ पत्ते लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो ये देखिए, ये हरा प्याज है और हरा लहसुन है, साथ में डाल देंगे हरा धनिया। तो सारी चीज़ों को हम डाल देंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये है कटहल, जिसे कि मैंने पहले से ही काट करके रख लिया था। इसे नमक लगा के पहले रख लेते हैं ताकि ये गले में ना लगे। तो कटहल को हमें फ्राई करना है, तो यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच ले लिए थे सरसों के तेल को। तेल को बहुत ही अच्छे से हमें गर्म कर लिया था। कटहल को तेल में डालकर इसे हमें करना है फ्राई। तो हमें इसे इतना पकाना है, यानी कि 50% तक हम इस कटहल को इसी तरह से पकाएंगे। आप चाहे तो इसे कवर करके भी पका सकते हैं, जिससे कि ये जल्दी पक जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं इसे इस तरह से स्टर फ्राई करूँगी और फिर इसके थोड़ी देर के लिए इसे कवर करूँगी ताकि ये अच्छे से जल्दी से फटाफट से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से मैंने 1 से 2 बार इसे पका लिया था, और अब इसे पकाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये 50% तक हमारा बनकर रेडी हुआ है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बॉल में। तो ये जो प्याज अदरक हरी मिर्च थी हमारी, उसका हमने जो पेस्ट रेडी किया था वो बनकर तैयार है। तो उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 मैंने लौंग लिए हैं, 1 तेज़पत्ता लिया, उसे काट करके इस तरह से डाल दिया, बड़ी इलायची ली है, और 1 चम्मच ले लेंगे साबुत ज़ीरा। तो सारी चीज़ों को हमें अच्छे से एक बार स्टर कर लेना है। तो जब इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तो हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज लहसुन की पेस्ट बना के रखी थी, इसे हमें भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें हमने हरा प्याज हरा धनिया डाला है, इसका कलर ही हरा है, तो इसलिए ये है हरियाली कटहल बनकर रेडी होगा। तो इस तरह से हमें इसे भून लेना है। जब ये अच्छे से भून जाए तो अब इसमें डाल देंगे हम मसाले। यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक हमें भून लिया था, काफ़ी अच्छे से भून गया है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, और गरम मसाला डाला है 1/4 चम्मच, और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालकर सारे मसालों को एक बार अच्छे से पका लें। फिर से 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है, नहीं तो हमारा मसाला जो जल जाएगा। अब इसके साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि मैंने तेल जो है बहुत ही कम डाला था। अब इसे चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच के करीब लिया है अमचूर पाउडर, क्योंकि हम इसमें टमाटर नहीं यूज़ करें। टमाटर डालेंगे तो सब्ज़ी का कलर जो है हरा नहीं आएगा, इसलिए तो यहाँ पे मैंने अमचूर का यूज़ किया है। मसाला जब अच्छे से पक गया तो इसमें मैंने डाल दिया है कटहल। अब इस कटहल को इस मसाले के साथ अच्छे से कोटेड कर लेंगे, ताकि सारा कटहल जो इसके साथ मसाले के साथ कोट हो जाए। तो अब इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब पानी, यानी कि 1 बड़ा ग्लास मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि इसे भाई 50% तक हमारा कटहल पका है और 50% हमें और इसे पकाना है। तो इस तरह से पकाएंगे हम, इसे कवर करेंगे 4 से 5 बार, इसे हमें इसी तरह से बीच बीच में हिलाते रहना है, लेकिन लगभग इसमें 10 मिनट तक ये सब्ज़ी जो है बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट के बाद हमारी जो कटहल की सब्ज़ी है, हरियाली कटहल है, वो बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं चावल के साथ, परांठा के साथ, पूरी के साथ भी ये कटहल खाएँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इसे गार्निश कर लेंगे हरा धनिया के साथ। तो ये कटहल, हरियाली कटहल जो है बनकर रेडी हो गया है। तो ये अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ रेसिपी को कर लीजिएगा लाइक शेयर, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।